देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। समर सिंह के लोग और समर सिंह के साथ आए हुए लोगों ने वहां पर मीडिया के लोगों से मारपीट की, वहां विवाद किया, जिससे कि जो आकांक्षा दुबे की माता यह आरोप लगा रही थी कि उनकी जान को खतरा है, और इस तरह से जिस प्रकार से मीडिया के बंधुओं पर हमला होता है, तो निश्चित तौर पर जो वादिनी मुकदमा आकांक्षा दुबे की माता जी हैं और जो हम लोग भी मुकदमे को देख रहे हैं और अपराधियों तक सही दिशा में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपराधी अपने नजदीक हम लोगों को भी देख करके हम लोगों के खिलाफ या आकांक्षा दुबे की माता के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इस नाते इस मामले में आकांक्षा दुबे के परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज उस प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए 11 बजे का समय निर्धारित है। विवेचक को केसदारी के साथ आज बुलाया गया है। विवेचक आएंगे, बताएंगे कि किन एविडेंसेस के साथ हमने 306 को डिक्लेयर किया है, और अभियुक्त को यदि वो रिमांड पर लेंगे तो उनसे क्या क्या बरामद करेंगे। चूंकि इस मामले की विवेचना पुलिस के द्वारा 306 के आधार पर की जा रही है, जबकि वादिनी का कहना यह है कि प्रारंभ से ही न तो हमारा बयान लिया गया और न ही हमारे प्रार्थना पत्र पर FIR लिखा गया, तो निश्चित तौर पर इस मामले में विवेचक की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। और उनके ऊपर ऐसा कौन सा प्रभाव है जिसके प्रभाव में वो अपने उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन विषयों पर आज हम लोग माननीय न्यायालय में बात रखेंगे। और हम लोग आज वो जो होटल की रिकॉर्डिंग है 21 से 26 तारीख तक की, उसकी रिकॉर्डिंग को भी मंगा करके सीज करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दे रहे हैं, ताकि उस रिकॉर्डिंग में वो जो एक व्यक्ति उनको छोड़ने आया था उसके अंदर जाने की तो बातें कह रहे हैं और दिखा रहे हैं, परंतु उनके बाहर निकालने का न तो समय दिखा रहे हैं, न तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। और होटल के कर्मचारी एक वीडियो दिखा रहे थे जिस वीडियो में वो आकांक्षा के उस लड़के के निकलने के बाद आकांक्षा के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो रिलीज किया गया था, तो वह वीडियो किस IMEI नंबर से रिलीज किया गया था, वह उसका उसका स्क्रीनशॉट कब मारा गया था, किसने मारा गया था मारा था और क्यों मारा था, इन सब चीजों पर भी होटल के कर्मचारी से हम लोग यह वो करेंगे, प्रयास करेंगे कि पूछताछ हो। और एक और महत्वपूर्ण विषय है, हम लोग विवेचक को भी एक प्रार्थना पत्र देंगे कि जो अनुराधा नाम की लड़की जो आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे को लेकर के बंबई से बनारस आई थी, उसके टिकट का पैसा किस संस्था के द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा पेड किया गया था, उसके लिए होटल वाराणसी में किन लोगों ने बुक कराया था, और उसके वापस लौटने का एयर फ्लाइट का फेयर किसने पेमेंट किया था, और जब आकांक्षा के माँ बाप आकांक्षा की अंत्येष्टि हरिश्चंद्र घाट पे करना चाहते थे, तो आकांक्षा की माँ को और उसकी डेड बॉडी को लेकर के वो अनुराधा किस आधार पर मणिकर्णिका गई, और उस मणिकर्णिका घाट पर आकांक्षा के परिवार के लोगों का एक भी रुपया नहीं खर्च हुआ। इसका मतलब ये है कि वहां पर अनुराधा ने सारी व्यवस्था पहले से करा दी थी, और यही बात उनका भी कहना है आकांक्षा की माँ का कि यदि उसके बाद जब वो क्रिमिनेशन से खाली होती हैं तो उससे कहती हैं कि बिटिया चला इतना दूर से आया लोग हमारे साथ, थोड़ा एक दो दिन आराम करना, तो वो कहती क्या है कि हमारा काम पूरा हो गया, अब हम चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों की जब कड़ियां एक में मिलेंगी और विवेचक इस मामले की विवेचना हत्या के दृष्टिकोण से करेंगे तो ही इस मामले का पर्दाफाश होगा। एक विषय और है कि हम लोगों ने माननीय न्यायालय से इस पूरे मुकदमे के पर्यवेक्षण का निवेदन किया है, उसका प्रार्थना पत्र दिया है, परंतु हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग की है कि इस मामले की CBI जांच कराई जाए, क्योंकि आकांक्षा दुबे की माता मधु दुबे का वाराणसी पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। हम लोग इस मामले में CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं। आकांक्षा दुबे की हत्या के प्रकरण में आज माननीय न्यायालय में दो प्रार्थना पत्रों पर हमारी सुनवाई होनी है। आज समर सिंह के अधिवक्ता उनके बेल की अप्लीकेशन डालेंगे, उस पर सुनवाई होनी है, और इस मामले के विवेचक को आज रिमांड पर समर सिंह को लेने के लिए अप्लीकेशन देना है। हम लोगों ने शुरू से ही यह हमारा स्टैंड है वादिनी आकांक्षा दुबे की माता का कि उनका बयान नहीं लिया गया, उन्होंने जो अप्लीकेशन दी उस अप्लीकेशन पे FIR न लिख करके
दूसरी एप्लीकेशन दरोगा जी ने बोल करके लिखवाई, उस पर FIR हुई। तो आकांक्षा दुबे के माता जी का यह कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे, मारते थे, ब्लैकमेल करते थे और उनको परेशान करते थे, उनको उनको काम नहीं करने देते थे, शादी करने का वादा किए थे लेकिन शादी नहीं कर रहे थे, और मेरी बेटी की हत्या हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन हत्या की तो जांच कर ही नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन आत्महत्या की जांच कर रहा है। और जिस प्रकार से इतनी जल्दीबाजी थी विवेचक को 306 डिक्लेयर करने की, वो तो ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दिया और माननीय न्यायालय उस पर सुनवाई कर रहा है। आज की डेट लगी हुई है, आज लगभग 1 बजे माननीय जज साहब इसको सुनेंगे। लेकिन मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया जब बनारस के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी का एक प्रेस नोट आता है, वायरल होता है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि यह कैसे 306 है, मतलब साबित कर दिया कि 306 है उसकी, उसको पूरा फाइनल उस पर प्रेस नोट जारी कर दी, जबकि न तो विसरा की रिपोर्ट आई थी, न लैब की रिपोर्ट आई थी, न फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, न तो उसकी आकांक्षा के मोबाइल की डिटेल्स मिली थी और न ही समर सिंह के मोबाइल की डिटेल्स मिली थी। तो निश्चित तौर पर इन चीजों पर जब हम लोगों ने ध्यान दिया तो हम लोगों को लगा कि या तो कमिश्नर साहब को मिसलीड किया जा रहा है उनके सबॉर्डिनेट अधिकारियों के द्वारा, इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दिया कि माननीय कमिश्नर साहब को तलब किया जाए और कमिश्नर साहब आके बताएं महिलाओं से संबंधित अधिकार के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका भी वायलेशन किया गया इस मामले में। बिस्रा रिपोर्ट नहीं आई, उनके पेट में जो अनआइडेंटिफाइड मटेरियल ब्राउन कलर का पाया गया था उसकी रिपोर्ट नहीं आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट नहीं आई, उनके प्राइवेट पार्ट में जो फ्लूइड पाया गया था उसकी रिपोर्ट नहीं आई, मोबाइल की जांच रिपोर्ट नहीं आई और अभियुक्त की भी जांच रिपोर्ट नहीं आई मोबाइल के। तो उसको किस आधार पर 306 घोषित किया गया, माननीय कमिश्नर साहब को जवाब देना है।